आज के कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान अजीत डोभाल जी, मुंबई के पूर्व कमिश्नर और सांसद श्री सत्यपाल सिंह जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, आज सूचना ब्यूरो के निर्देशक श्रीमान अरविंद कुमार जी, सीबीआई के डायरेक्टर श्री ऋषि कुमार सिंह जी, महानिर्देशक बीएसएफ श्री राकेश अस्थाना जी, यहाँ पर उपस्थित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिर्देशक गण, अन्य अधिकारी गण और प्यारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी भाइयों बहनों, आज पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष में आज हम सब यहाँ पुलिस स्मारक पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले आजादी से लेकर अब तक देश भर के सभी राज्यों के पुलिस परिवार और सीमा पर तैनात अपने सशस्त्र बलों के जवानों ने देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व की रक्षा के लिए जो उच्चतम बलिदान दिया है, इसको याद कर मैं समग्र देश की ओर से कृतज्ञता पूर्वक उनको नम आंख और हृदय में गौरव के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी और मंत्रिपरिषद की ओर से भी मैं सभी पुलिस कर्मचारी, सशस्त्र बलों के जवान जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया है, वो सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इन वीरों के नाम यहां पर पुस्तिका में भी अंकित है, दीवालों पर भी अंकित है, मगर इतना ही पर्याप्त नहीं है। 130 करोड़ की आबादी वाली इस देश के जन जन के हृदय में इनकी बलिदान की भावना भी अंकित है। 35,398 कर्मियों ने अब तक शहादत दी है। मैं उन सभी शहीदों के परिवारजनों को कहना चाहता हूं कि ये स्मारक सिर्फ ईंट, पत्थर, चूने और सीमेंट से बना हुआ स्मारक नहीं है। ये स्मारक इस बात का पूरे देश को हमेशा स्मृति दिलाता है कि आपके परिवारजनों ने जो प्राणों की आहुति दी है, उसने हमारी आजादी को, हमारे देश को, हमारे देश के झंडे को अमरत्व देने का काम किया है। उनका बहा हुआ खून का एक एक कतरा देश को विकास के पथ पर आगे ले गया है। कई नौनिहालों के भविष्य को उसने संवारा है और देश को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया है। देश आज चैन की नींद सो रहा है, इसी का कारण कोई एक अगर है तो आपके परिवारों जनों का सर्वोच्च बलिदान है। मैं फिर से एक बार विनम्रता पूर्वक सभी शहीदों को नमन कर मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। शहादत की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी कई पुलिस जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लगभग 264 पुलिस कर्मचारियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने जिस जिस घटनाओं को लेकर अपने प्राणों की आहुति दी है, इसका जिक्र तो नहीं कर सकता, मगर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि अगर आप में शहीदी का जज्बा न होता तो देश को इसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता हो। मित्रों, पुलिस बल एक ऐसा बल है जिसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, जिसके लिए घड़ी भी नहीं होती है। 24 घंटे 365 दिन तैनात रहना पड़ता है। जब देश की जनता रक्षाबंधन का त्योहार हो, सभी अपने भाई बहनों को राखी बांधते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, उनको मालूम नहीं है
कि मेरे पुलिस बल का जवान चौराहे पर खड़ा रहकर आज भी ड्यूटी कर रहा है, इसके कारण ये त्योहार वो शांति के साथ मनाते हैं। होली के रंग बिखरते हो, ईद का मिलन होता हो या दीपावली के दिए जलते हो, पुलिस के जवानों को छुट्टी नहीं होती है, वो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। और इस आपकी कर्तव्य परायणता को पूरा देश भली भांति जाने, इसलिए इस पुलिस स्मारक को हम ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब ये निर्णय लिया गया कि एक ऐसा स्मारक बने कि जिसके कारण ये हमेशा के लिए देश के लोगों को याद रहे कि कितने पुलिस जवानों ने शहादत दी है। पर मुझे कहते हुए हर्ष है कि आज 2018 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को मोदी जी ने जो स्मारक समर्पित किया, आज गौरव के साथ सभी पुलिस कर्मचारियों की शहादत का एक स्मारक बनकर यहाँ पर बिकता है। देश भर के बच्चे यहाँ आना शुरू हुए हैं, देश भर के टूरिस्ट यहाँ आना शुरू हुए हैं, कई अच्छी पुलिस के बचाव कार्य की फिल्में उनको दिखाई जाती हैं, पुस्तिकाएं बांटने का हमने प्रयास किया है और हर राज्य में इसके प्रचार प्रसार की विशेष व्यवस्था करी है। और मैं एक बात विशेष कहना चाहता हूं मित्रों कि इससे पुलिस बल के लिए जो देखने का नजरिया है देश की जनता का और विशेषकर आने वाली पीढ़ी का, उसको बदलने का एक सार्थक और गंभीर प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।